Hi, I am Rasmi and welcome to Sudhasara tutorial. Today we will discuss about solar eclipse, the most important chapter. And first we will discuss about what is eclipse. Look at the picture and let us understand. So, first we should discuss about eclipse, what is eclipse and what do you know about eclipse? So, let us start. एंड एकज ए शेडो दैट मेक्स द मून और द सन फुली और पार्शियली इनविजिबल फॉर समाइम दैट मीनस एंड एकज ए शेडो सैडो मीन्स क्या है उसका एक तो शैडो क्या है शेडो एक साया है एंड एकज ए शेडो दैट मेक्स द मून और द सन फुली और पार्शियली इनविजिबल फॉर समाइम कुछ टाइम के लिए सूर्य हो या फिर चंद्रमा हो उसका छुप जाना इनविजिबल मतलब अदृश्य हो जाना उसको हम एकप्स कहते हैं एंड एकप्स इज ए शैडो दैट मेक्स द मून और द सन फुली और पार्शियली इनविजिबल फॉर सम टाइम सो लेट्स स्टार्ट फॉर स्टार्ट सोलर एक्लिप्स व्हाट इज़ सोलर एक्लिप्स इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड पहले थियोरिटिकल हम समझ लेते हैं उसके बाद उसका ड्राइंग जो देखेंगे उसको उसका अगर ड्राइंग समझ में आ जाएगा तो सोलर एक्लिप्स में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा तो पहले थ्योरिटिकल देखते हैं सोलर एक्लिप्स वेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ इट कास्ट इट्स शेडो ऑन द अर्थ सर्फिस एंड पार्टली और होली हाइट्स द सन दिस इज कॉल्ड ए सोलर एक्लिप्स इसका मतलब क्या है वेन द मून कॉम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ जब मून चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है वेन द मून ये जो मून है मून कहाँ पर आ जाता है सूर्य और चंद्रमा सॉरी पृथ्वी सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब क्या होता है इट कास्ट इट शैडो ऑन द आर्थ सरफेस पृथ्वी के ऊपर क्या पड़ता है उसका एक शैडो आता है शैडो पड़ता है उसका एक साया पड़ता है जिसके दौरान हमें क्या होता है पार्टली और होली हाइड्स द सन उसका साया जब आर्थ पर पड़ता है तब क्या होता है वो सन को थोड़ा थोड़ा करके या फिर टोटली होली हाइड कर देता है उसको फुल्ली हाइड कर देता है और नहीं तो थोड़ा सा हाइड कर लेता है उसको उस टाइम हमें सूर्य नहीं दिखाई देता है तो उसको हम सोलार एक्लिप्स कहते हैं जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा का जो साया है वो पृथ्वी पर पड़ जाता है पृथ्वी पर पड़ने के बाद उसके आगे जब जो सूर्य है वो हमें दिखाई नहीं देता है जब दिखाई नहीं देता है तब होता है सोलार और ये जो सोलार है वो न्यू मून मतलब अमावास के दिन ही होता है सोलर एक्लिप्स सिर्फ और सिर्फ अमावास के दिन होता है और जो चंद्र ग्रहण है वो क्या है वो पूर्णमी के दिन होता है यह है अमावास के दिन न्यू मून और वो फुल मून डे अब उसको ड्राइंग में हम समझेंगे कैसे वो सोलार एकलिप्स कैसे बनता है किसका साया किस पर पड़ता है और वो क्या क्या एक रो में देखो सोलर एक्लिप्स जो है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक रो में रहते हैं देखो पिक्चर देखो अभी ये रहा हमारा ड्राइंग और यहाँ पर जो है देखो ये सूर्य है और ये चंद्रमा है और ये जो है ये पृथ्वी है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन पर रहेंगे एक लाइन पर रहेंगे और ये जो सूर्य का जब लाइट आता है यहाँ पर आगे चंद्रमा हो जाता है और ये उसका लाइट को यहाँ पर रख रोक लेता है पृथ्वी पर पड़ने नहीं देता है तब यहाँ पर एकप्स होता है उसको सोलर एकिप्स कहते हैं द मून बिटवीन सन एंड अर्थ सन और अर्थ के बीच में ये जो मून है वो रह जाता है इसके वजह से सूर्य का लाइट जो है पृथ्वी पर नहीं पड़ता है और पृथ्वीवासी को ये सूर्य नहीं दिखाई देता है अगर हम हमारे सामने कुछ ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उसके पीछे क्या है हमें नहीं दिखाई देता है इस तरह यहाँ पर भी उसी तरह होता है जब सूर्य चंद्रमा के आगे रह जाता है चंद्रमा रह जाता है सूर्य का किरण पृथ्वी पर यहाँ पर आकर पड़ता है तब उसी समय चंद्रमा क्या करता है यहाँ पर उसके बिटवीन मतलब मिड पोजिशन में रह जाता है जिसके वजह से सूर्य का लाइट यहाँ पर नहीं पड़ता है और सूर्य को नहीं देख पाते हैं पृथ्वी ऐसी तो इसको हम सोलार एक्लिप्स कहते हैं और ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड उसका टाइम पीरियड बहुत कम है बहुत कम समय में सूर्य ग्रहण होता है सोलर एक्लिप्स अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके थैंक यू